दोस्तों, जो लोग एनीमिया से परेशान हैं उन लोगों को अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। खून में आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया को रक्त अल्पता भी कहा जाता है। एनीमिया की समस्या से राहत पाने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एनीमिया की समस्या आमतौर पर पौष्टिक आहार के सेवन न करने के कारण होता है। लीवर की समस्या की वजह से यह रोग हो सकता है। आपको बताते हैं कि एनीमिया की समस्या से बचने के लिए आप अपने डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया के मरीजों को अपने डाइट में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जिसमें पहला है अनार। अपने डाइट में अनार को जरूर शामिल करें, क्योंकि अनार में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन्स आता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अनार में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है सेब। सेब का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। सेब शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। सेब का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। तीसरा है चुकंदर। एनीमिया के मरीजों को अपने डाइट में चुकंदर को शामिल करना चाहिए। चुकंदर का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। चुकंदर खून की कमी को पूरा कर सकता है। खून के स्तर को बढ़ाने के लिए रोजाना चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करें। चौथा है अंगूर। अंगूर में काफ़ी मात्रा में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे मुख्य तत्व तो पाए जाते हैं, जो आपके को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंगूर का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती। एनीमिया के मरीजों को रोजाना अपने डाइट में अंगूर को शामिल करना चाहिए। पांचवा है गाजर। गाजर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। शरीर में खून के स्तर को बढ़ाने के लिए गाजर का सेवन करना चाहिए। आप गाजर का जूस या कच्चा गाजर भी खा सकते हैं। छठा है तरबूज। तरबूज आयरन का मुख्य स्रोत। USDA के मुताबिक 100 ग्राम तरबूज में 0.2 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। एनीमिया के मरीजों को डाइट में तरबूज को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा एनीमिया के मरीजों को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? एनीमिया के मरीजों को कैफीन युक्त चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इनसे दूरी बना के रखें। अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है।